हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑल वीडियोस। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो कभी ना कभी आपके माइंड में आया होगा, अगर आपने मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन किया है तो उस टाइम आपको ये क्वेश्चन आता है कि जो मल्टीपल डिवाइसेस में आपने लॉगिन किया है, क्या गलती से आपने उसमें लॉग आउट नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो किस तरीके से आप आपके प्राइमरी डिवाइस या जो डिवाइस आप ओन करते हो उससे आप डायरेक्टली लॉग आउट कर सकते हो, या फिर यूँ कहें कि आप किस तरीके से स्क्रीनिंग कर सकते हो या मॉनिटरिंग कर सकते हो कि कितने मल्टीपल डिवाइस के थ्रू आपने लॉगिन किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। इंस्टाग्राम को पहले ओपन कर लीजिए। आपका डेडिकेटेड अकाउंट, अगर आप मल्टीपल अकाउंट रन कर रहे हो तो आप उस डेडिकेटेड अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मेरा ये यहाँ पर दिया हुआ है कोड्स क्रिएशन ईडीएम, राइट। इस अकाउंट के रिलेटेड अगर मुझे चेक करना है कि ये कितने मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है, तो ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखाई देगा, उस चीज़ को क्लिक करिए और सेटिंग्स में डायरेक्टली आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ओके, ये एक मैंने डेमो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, जितने भी इंस्टाग्राम के वीडियोस को बनाने के लिए और जितने भी उससे रिलेटेड, या फिर यूट्यूब में अगर कोई क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम्स हो, सोल्यूशन हो, तो उससे रिलेटेड मैंने ये एक अकाउंट बनाया है। यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ करके बताऊँगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको कहा कि सेटिंग्स पर आप आ सकते हो और यहाँ पर आप सिक्योरिटी पर आ सकते हो। सिक्योरिटी के बाद आपको लॉगिन एक्टिविटी, जो लॉगिन सिक्योरिटी में सेकंड ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिस्ट ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस दिखाई देगा। आपको इस केस में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो आप करंटली जो है मेरा ही डिवाइस देख पा रहे हो, ठीक है। आप जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पे आपको मैप में लोकेशन दिखाई देता है, ठीक है, और आपको अगर कंफर्म करना हो दिस वॉज मी, तो आप दिस वॉज मी पे करके कंफर्म कर सकते हो। इससे इंस्टाग्राम को ये पता चल जाएगा कि ये डिवाइस में अगर लॉगिन किसी ने किया था, और अगर वो आपने ही किया था तो आप ये डिवाइस को कन्फर्म कर रहे हो। और अगर आपको नॉट यू करना है तो आपको पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पर नॉट यू करके दिस वॉजेंट मी करिए और यहाँ पर आप पासवर्ड आप डाल सकते हो सिंपली। गाइज, आपने देखा कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर कन्फर्म कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको रिमूव करना हो तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करिए, लॉगआउट का बटन आपको दिखाई देगा। अगर आपको डाउट है कि ये डिवाइस मेरा नहीं है, और अगर आपको डाउट ये है कि अगर मैंने इसमें लॉगिन किया था लेकिन मैं लॉगआउट करना मैं भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ, तो उस केस में आप यहाँ पर आके सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करिए और लॉगआउट का बटन पर प्रेस कर दीजिए। इतना होते ही जो करंट डिवाइस है उसमें से ये अकाउंट सक्सेसफुली लॉगआउट हो जाएगा, और ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी है, लॉगिन एक्टिविटी, जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं ही पता थी और इस वीडियो के ज़रिए अगर आपको पता चली है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितने भी हैक्स है या फिर जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड है, जितनी सारी चीज़ें हैं, वो इस चैनल पर ज़रूर कवर अप होगी। और अलग अलग अगर आपको टेक्निकल रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है तब भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।